मेडिसिन लिया तुमने? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? या फिर मेडिसिन का पूछकर खाना पूरी कर रहे हो? कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी तो किसे होगी? मेरी बीवी हो तुम? बीवी? बीवी बनाने का शौक होता है सिर्फ तुम मर्दों का। फिक्रमंदी तो किस्मत वालों के नसीब में ही आती है। अब आखिरी बार कब डॉक्टर के पास लेकर गए थे? न तवज्जा दे सके, न मोहब्बत, न घर में मकाम दिया तो बस सिर्फ सलात का बोझ। बोझ? तुम हमारे होने वाले बच्चे को बोझ कह रही हो? शर्म आ रही है मुझे ये सुनकर। आनी भी चाहिए। जिस बच्चे की जीती जागती मां इस घर में, अपने शौहर के घर में कई महीनों से एक लावारिसों की तरह पड़ी है, तो उस बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा? मैं हूं ना इसका बाप, जिंदा हूं मैं, कुछ नहीं होगा इसे। क्या मेरा शौहर भी जिंदा है? कैसी बातें कर रही हो तुम? इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो? ऐसी हालत में तुम टेंशन ना लो तो अच्छा है। हम औरतों की किस्मत में यही तो लिखा है, पहले अपने मकाम के लिए लड़ो, फिर अपने बच्चों के मकाम के लिए लड़ो। जी क्या हुआ? बांजी बता रही थी कुछ प्रॉपर्टी इनके नाम कर रहे हो। मेरा मतलब है इनके तहफ्फुज़ के लिए, अपने बच्चे के लिए। मामू, मैंने आपको ये सब इसलिए नहीं बताया था कि आप वलीद को बता दें। मैं तो सोचकर खुश हो गई थी कि वलीद को मेरी फिकर है। हाँ वो तो है। मैंने बाबा से बात की, देखो वो कब फैसला करते। मेरी बांजी से शादी तो बाबा से पूछे बगैर कर ली, अब इसका हक देने की बारी आई है तो बुजुर्गवार कहां से आ गए? आप दरमियान में मत बोलो, ये मेरा और जारा का मामला है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आपने बाबा से बोलो दरमियान में ना आए, ये तुम्हारा और जारा का मामला है।